हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम देखेंगे HPGK MCQ सीरीज का लेक्चर 2। वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पझौता मूवमेंट टुक प्लेस इन सिरमौर। तो किस वर्ष जो है पझौता आंदोलन स्टार्ट हुआ सिरमौर में। ऑप्शन है 1939, 1942, 1945 या 1948। सही आंसर की बात करें तो पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में सिरमौर में। तो उसके जो प्रमुख लीडर थे वो थे वैद्य सूरत राम और लक्ष्मी सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैद्य सूरत राम जो है किस आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1971 AD। तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ तो पहले जो राज्यपाल कौन बने। ऑप्शन है एस चक्रवर्ती, लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह, एन सी मेहता या नन ऑफ द अबव। सही आंसर की बात करें तो एस चक्रवर्ती जो थे हिमाचल के पहले गवर्नर थे। वेयर डज द राधा अष्टमी फेयर टेक प्लेस। तो राधा अष्टमी मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है मणिमहेश, रामपुर, किन्नौर या नदौन। सही आंसर की बात करें तो राधा अष्टमी मेला जो है मणिमहेश चंबा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच बिल्डिंग एट प्रेजेंट। तो हिमाचल प्रदेश जो सचिवालय है तो जो प्रेजेंट टाइम में किस बिल्डिंग में है। ऑप्शन है बार्नस कोर्ट, पीटर हॉफ, एलर्सली या गॉर्डन कैसल। सही आंसर की बात करें तो एलर्सली इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे। ऑप्शन है एन सी मेहता, के एल मेहता, बी आर मेहता या अशोक मेहता। सही आंसर की बात करें तो के एल मेहता जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी 1952 में बने थे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के कौन है। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड नलवाड़ी फेयर एट बिलासपुर। तो नलवाड़ी मेला बिलासपुर जिले में किसने शुरू किया था। ऑप्शन है डब्ल्यू गोल्डस्टीन, राजा आनंदचंद, राजा भीमचंद या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर की बात करें तो नलवाड़ी मेला स्टार्ट किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने बिलासपुर में। तो इसकी बात करें तो ये किया था 1889 में स्टार्ट। तो उस टाइम जो बिलासपुर कहलूर रियासत थे उसके जो राजा थे वो थे अमर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ बंगानी टुक प्लेस। तो बैटल ऑफ बंगानी, बंगानी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1688 AD, 1686 AD, 1657 AD या 1689 AD। बैटल ऑफ बंगानी की बात करें तो ये 1686 AD में हुआ था। तो ये किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और कहलूर यानी कि बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में हुआ था। तो ये एक स्पेद हाथी को लेकर हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह के पास एक स्पेद हाथी था जिसे असम की रानी ने उन्हें दिया था। तो भीमचंद को हाथी चाहिए था तो उसके पीछे जो है युद्ध हुआ था। इसमें जो है राजा भीमसेन की सहायता की थी गढ़वाल के राजा फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद ने। तो इसमें जो है हंडूर के राजा हरिचंद जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके जो लेखक है, ऑप्शन है जी डी खोसला, बी एन दत्तार, शांता कुमार या जे सी फ्रैंक। सही आंसर की बात करें तो इसके जो राइटर है वो है जे सी फ्रैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु इज द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट जो हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री कौन है। ऑप्शन है सुरेश भारद्वाज, गोविंद सिंह ठाकुर, विपिन परमार या वीरेंद्र कंवर। सही आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री जो है वो है गोविंद सिंह ठाकुर। इनके पास जो है परिवहन मंत्रालय भी है। सुरेश भारद्वाज की बात करें तो सुरेश भारद्वाज जो है शिक्षा मंत्री है और विपिन परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग मेला इज फेमस ऑफ। तो फाग मेला कहाँ का जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रामपुर, करसोग, रोहड़ू या नाहन। तो रामपुर का फाग मेला शिमला जिले में जो है वो बड़ा ही फेमस है। तो ये फाग महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिमानी चामुंडा टेम्पल इज लोकेटेड नियर। तो हिमानी चामुंडा टेम्पल किसके नज़दीक है। ऑप्शन है धर्मशाला, सोलन, काजा या भरमौर। सही आंसर की बात करें तो हिमानी चामुंडा टेम्पल कांगड़ा जिले में है, ये धर्मशाला के नज़दीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेम द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड चंबा इन द ईयर 1839। तो पहले यूरोपियन कौन थे जो इन्होंने चंबा की यात्रा की थी 1939 में। ऑप्शन है विग्ने, फोस्टर, मूरक्राफ्ट या नन ऑफ द अबव। सही आंसर की बात करें तो विग्ने ने जो है 1939 में चंबा की यात्रा की थी। तो उस टाइम जो चंबा के राजा थे वो थे चरण सिंह। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।